अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, मार्केट पिछले करीब 4 से 5 दिन हो गए मुसलसल डंप का शिकार दिखाई दे रही है। मजीद कितनी डंप हो सकती है इसको देखते हुए हमने आज की इस वीडियो में आपसे कुछ कॉइन शेयर करने हैं जो मेरे नज़दीक टॉप 5 अंडर वैल्यू कॉइन हैं। जो आप इस डंप मार्केट में बाय कर लेते हैं तो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें और फॉलो करें उस स्ट्रेटजी को जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सिर्फ कॉइन का नाम सुनकर अगर आप वीडियो को लेफ्ट कर देते हैं तो आप बाइंग की जो स्ट्रेटजी है और टाइम फ्रेम है उसको मिस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम अभी उसे सिर्फ नाम सुनकर ही बाय कर लेंगे तो आप मिस ये करेंगे कि मिसाल के तौर पर कल को आपको मार्केट 40,000 पर देखने को मिल जाती है तो ये कॉइन सिर्फ नाम सुनकर आपने जो बाय कर लिए होंगे आपको देंगे नुकसान, लेकिन फ़ायदा देंगे अगर आप उसका टाइम फ्रेम भी फॉलो करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में। ज़हन में रखिएगा, आज तक कोई ऐसा पंप हमारे दरमियान नहीं गुजरा जिसमें हमने अर्निंग ना की हो, तो लिहाजा आपने अपने असाब को एक्टिव रखना है और इस डंप का आपने सही फ़ायदा उठाना है, क्योंकि कल को जब मार्केट ऊपर जाएगी तो याद रखिएगा यही कॉइन आपको फ़ायदा देने वाले हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ज़हन में रखिएगा, कि एक बिजनेसमैन और खिलाड़ी जैन का आदमी डंप का वेट ना करता हो, क्योंकि वो बेवकूफ़ कहलाता है जो बूस्ट होते हुए कॉइन बाय करके अपने पोर्टफोलियो को भर लेता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे उन टॉप 5 अंडर वैल्यू कॉइन्स का जिक्र करूं, आपने सबसे पहले वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में तमाम इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बिना देर किए मार्केट में और आपसे मैं शेयर करूंगा टॉप 5 अंडर वैल्यू कॉइन्स जो आप इस डंप में बाय करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कल को पंप में बहुत ही अच्छा फ़ायदा दे करके जा सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन है, लेकिन डंप में ये शिकार हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का। तो पहला कॉइन जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ इसका नाम है क्लोवर फाइनेंस, यानी कि CLV। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट है और बहुत ही पोटेंशियल रखता है अपने आप में। सबसे पहले मैं आपसे इसका 1 ईयर का चार्ट जो है वो शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इसकी पोटेंशियल को समझ सकें। तो दोस्तों, टॉप 5 में से मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही अच्छा कॉइन है और इसकी अगर हम मौजूदा कीमत देखें तो 59 सेंट पे आ चुकी है। अगर ऑल टाइम हाई देखें तो ये $1.90 पे मार्केट में ट्रेड होता रहा। इसके ट्रेड वॉल्यूम को फ़िलहाल मैं ओपन नहीं करूँगा वरना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने इस कॉइन को 45 सेंट पे बाय कर लेना है, यानी कि अभी ये आपको 59 सेंट पे दिखाई दे रहा है, 45 सेंट पे ये आपकी बाइंग होनी चाहिए और इसे ऐड करनी आप अपने पोर्टफोलियो में। इंशाल्लाह आपको ये डंप में भी रहते हुए प्रॉफिट दे सकता है अगर आपकी बाइंग अच्छे लेवल की हुई और अगर आपने फॉलो किया मेरा बताया हुआ टाइम फ्रेम। अब हम बात करते हैं 1 मंथ की। तो दोस्तों, ये 1 महीना पहले भी तकरीबन $1 से ज़्यादा था और आज क्योंकि मार्केट कोलैप्स है, रिसेंटली जब 25 दिन पहले मार्केट कोलैप्स थी, जब 47,000 या 46 पे थी, तब भी मैंने आपसे जितने भी कॉइन शेयर किए थे, अल्लाह के फजल से जब आपने मार्केट ने 51,000 पे हाथ लगाया तो आपको सभी कॉइन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। तो दोस्तों, अगर वो कॉइन इस वक्त लो पर होते तो वो भी कॉइन मैं आपसे शेयर करता, लेकिन इस वक्त वो कॉइन काफ़ी हाई जा चुके हैं। तो लिहाजा आज की ख़रीदारी के लिए, बाइंग के लिए आपके लिए क्लोवर फाइनेंस एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फाइनेंस का मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, अदरवाइज़ आने वाले दिनों में मैं इसकी एनालिसिस वीडियो में भी इनका जिक्र करता रहूँगा जैसे कि मैं हमेशा वीडियो के एंड पर करता हूँ। तो दोस्तों, इसको अपने आप पोर्टफोलियो में ऐड कर लें अपनी समझ लें रेंज के मुताबिक। अगर आप $10 का बाय करना चाहते हैं तो इसे 3 स्टेप में बाय कर लीजिएगा, यानी कि डिफरेंट डॉलर कॉस्ट के ऊपर, और अगर आप इसे ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहते हैं तो ओबियसली ये आपकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करूंगा दूसरा कॉइन जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अपने आप में इन दिनों में आपको फ़ायदा देने के लिए। तो दोस्तों, दूसरे कॉइन का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर लिया है। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉइन की अगर आपको एक्सचेंज का पता ना चले तो आपने कॉइन मार्केट कैप पर जाके वॉलेट पे क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा कि वो कॉइन कौन कौन सी एक्सचेंज पे मयसर है, क्योंकि मोस्टली वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे
कमेंट सेक्शन में हमारे कोऑर्डिनेटर को यही मैसेज मौसूल होते हैं कि ये कहाँ पे दस्तयाब है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने कॉइन शेयर करना था उसके बाद दूसरा कॉइन है कार्डेंस ये .io और ये बहुत ही अपने आप में यानी कि पोटेंशियल रखने वाला कॉइन है CRDN। ये तकरीबन आज से 3 माह पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, आपने इसमें से अर्निंग की थी। जिन हजरात ने भी अर्निंग की वो डेफिनेटली अभी भी इसे याद रखते होंगे जब मैंने इनसे इसे शेयर किया था। तो दोस्तों बात करते हैं इसके 3 मंथ चार्ट की। तो ये 3 माह पहले 45 सेंट पे अवेलेबल था, आज इस डिप में ये बहुत ही नीचे आ चुका है, करीब 14 सेंट पे आपको बाइंग करने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये मोस्ट अंडर वैल्यू कॉइन है नस्बत पहले कॉइन के, और इसे भी आप अगर $10 का बाय कर लेते हैं मिनिमम, तो ये आपको कल के प्रॉफिट में बहुत ही जब मार्केट पंप करेगी तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे करके जा सकता है। और इसका टाइम फ्रेम यही होगा कि आप इसे 12 सेंट या 10 सेंट के इर्द गिर्द बाय कर सकते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपने बिल्कुल फ्रेश अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे कॉइन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड वन कॉइन मैंने आपसे शेयर करने के लिए ओपन कर लिया है, ये करीब मैंने आपसे 10 दिन पहले भी शेयर किया था और आपने इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग की थी, और मैं आपको अपनी एनालिसिस वीडियो में भी बता चुका हूँ। इस कॉइन का नाम है CVC। अगर आपने उन दिनों बाय करके इसमें प्रॉफिट लिया था तो ये आज उससे भी नीचे आ चुका है, 32 सेंट पे अवेलेबल है। टोटली पोटेंशियल कॉइन है अपने आप में, इसकी मार्केट कैप जो है बहुत कम है और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए 26 सेंट एक परफेक्ट अमाउंट होगी, इसे आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और अगर हम बात करते हैं 3 मंथ चार्ट की, तो ये अपने ऑल टाइम हाई 65 सेंट पे खड़ा था और आज काफ़ी डाउन हो चुका है, तकरीबन कह सकते हैं कि 50% ऑफ में आपको ये मार्केट में दस्तयाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस डंप में अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना पुराना नुकसान भी पूरा करना चाहते हैं, तो ये कॉइन आपका नुकसान इंशाल्लाह पूरा करने में पूरा साथ देगा। तो दोस्तों इसे आप अपनी रेंज के मुताबिक बाय कर सकते हैं और रेंज आपकी अपने आप पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब आपके सामने मैंने फोर्थ वन माई फेवरेट DGB जो कॉइन है मैंने ओपन कर लिया है। ये मोस्ट समझ लें अंडर वैल्यू पोजिशन में आ चुका है, इस डंप ने इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया है। रैंक की अगर हम बात करें तो 143 इसका रैंक है। TGB जो कि आने वाले दिनों में मेटावर्स में इन्वॉल्व होने की यानी कि बातें कर रहा है, अगर ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी में कॉइन ये काउंट किया जा रहा है, जैसे ही इसने अपना रुख बदला इसकी प्राइस में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें इसके 3 मंथ के चार्ट की, तो ये आज से कहीं ज़्यादा प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि 0.65 और आज ये 0.28 पे है। ये चौथा कॉइन है जो मैं आपको 50% ऑफ पे बाइंग के लिए मैं आपको ऑफर यानी कि कर रहा हूँ कि आप इसे बाय करके अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर सकते हैं। और DGBYTE की अगर आप अपनी पर्सनल तौर पर इसका ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है वो भी चेक करें और ट्रेड व्यू भी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पोटेंशियल कॉइन है और लोगों ने इससे एक टाइम पे डेली अर्निंग भी की है। और ध्यान में रखिएगा जिस कॉइन में इस लेवल की फ्लक्चुएशन होती हो वो डेली अर्निंग भी करवाते हैं। और वैसे भी मैं आपसे कल इंशाल्लाह ताला इतवार के दिन मैं आपसे डेली अर्निंग के लिए भी कॉइन शेयर करने वाला हूँ, जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा डेली अर्निंग क्रिप्टो करेंसी की मार्केट से वही शख्स कर सकता है जो मार्केट के एनालिसिस पे नज़र रखता है, ये सभी के बस का काम नहीं है। तो दोस्तों अब DGBYTE की बात करते हैं कि अगर इसका टाइम फ्रेम अगर आपके लिए बेटर रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये आप 0.22 पे बाय कर सकते हैं। अभी ये मुझे थोड़ा सा प्लस में दिखाई दे रहा है, ये अगर मार्केट गिर जाती है $40,000 पे आ जाती है तो बेहतर ये होगा कि ये भी आपको रेड सिग्नल में देखने को मिल सकता है। तो ज़हन में रखिएगा टाइम फ्रेम आपके लिए DGBYTE के लिए 0.22 इज़ परफेक्ट फ्रॉम माई साइड। अब बढ़ते हैं फिफ्थ वन कॉइन की तरफ। वो अंडर वैल्यू कॉइन तो नहीं है लेकिन अपने आप में एक ज़बरदस्त कॉइन है और आपको प्रॉफिट दे करके जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने जो फिफ्थ वन माई फेवरेट वन कॉइन ओपन कर लिया, जिससे मेरी बजाते खुद डेली के तौर पे मैंने इसमें बहुत अर्निंग की है, अगर इसको आप फॉलो करें तो ये भी आप डेली अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगॉन मैटिक 14 रैंकिंग का ये कॉइन है और मुसलसल ये 14 के इर्द गिर्द ही सर्कल करता रहता है। इस वक्त आपको माइनस में ये बाय करने को मिल सकता है, मैं इसका जो है
कमोबेश 1 ईयर का चार्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा। यह तकरीबन 2.50 के लगभग आपको 10 महीने देखने को मिलता है पहले, फिर ये तकरीबन $3 के करीब आपको बाय करने में मिलता है और लोग इसको हाई अमाउंट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लास्ट मंथ की, दिसंबर के माह की, दिसंबर में इसने कहाँ तक बिजनेस दिया आपको 2.80 का, करीब 84 सेंट की अपनी वैल्यू खो चुका है। इसको बाइंग करने के लिए आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा $1.90, $1.90 में आपने इसको बाय कर लेना है। आप देख रहे हैं आपसे बात करते करते ही इसका जो नीचे जाने का लेवल है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट की सूरत हाल आज सुबह भी कुछ पतली थी और अब मज़ीद पतली हो रही है और $200 मज़ीद मार्केट गिर चुकी है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, पॉलीगोन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये वाइट कॉइन है जिसके लिए मैंने लॉन्ग टर्म का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि कल को ये सोलाना की तरह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसे बाय करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट अंडर वैल्यू नहीं है, पहले चार जो मैंने आपसे शेयर किए वो मोस्ट अंडर वैल्यू थे, ये $2 पे खड़ा है तो अंडर वैल्यू नहीं कहलाता मेरे नज़दीक। तो इसे आपने लेकर थोड़ा सा हौसला रखना है और ये कल को आपको सोलाना जितनी प्रॉफिट दे सकता है आने वाले वक्तों में। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस डंप को एंजॉय करना चाहते हैं एक बिजनेसमैन की तरह तो टाइम फ्रेम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, हो सके तो आप लिमिट लगाकर इनकी बाइंग करें। और फिर से कहूँगा कि वॉलेट को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ ये दस्तयाब हैं, आपने वॉलेट पे ही क्लिक करना है कॉइन मार्केट कैप पे जाके और आपको इनकी एक्सचेंज का पता चल जाएगा। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।